ठीक है सर, हो गया। हो गया, चलो ग्रेट। ओके, डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। ठीक है ना, पहला जो है ना रिएक्शन क्या होता है, हीट चेंज स्लैश एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन। कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। गेटिंग इट नाउ, जो एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन के अंदर आएगा ना, दैट इज गिवन बाय डेल्टा एच। गेटिंग इट, गेटिंग इट। सो व्हाट, देखो एक्सोथर्मल। डेल्टा एच को हीट चेंज भी बोलते हैं और एंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं। गेटिंग इट, क्या कह रहे हो? समवन वाज आस्किंग समथिंग। सर मैं यही पूछ रहा था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे डिस्टिंक्शन नहीं है ना? अगर है ना बेटा, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, अगर नेगेटिव है तो नहीं, इसमें एक्स। ओवरऑल देख रहे ना। हाँ, ओवरऑल रिएक्शन की ही बात हो रही है ना बेटा। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, इस पूरी रिएक्शन में जहां पे ए मोल्स ए के, बी मोल्स बी के रिएक्ट करके सी मोल सी के और डी मोल्स डी के बना रहे हैं, उस केस के अंदर अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, पूरा एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव है, तो इसको मैं बोलूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ सर, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या बोलूंगा? एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक। कोई डाउट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग यार, एक चीज समझो, द एनर्जी चेंज दैट इज द हीट गेन्ड और लॉस्ट बाय अ केमिकल रिएक्शन। सर एक्सोथर्मिक मतलब हीट लॉस ना। हाँ, हीट गेन्ड और हीट लॉस्ट बाय केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जितना भी हीट गेन होता है, हीट लॉस होता है, उसको एंथैल्पी चेंज कहते हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, सिंपल है। अगर यस अगर एनर्जी नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो एनर्जी लूज हो रही है, वो एक्सोथर्मिक है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एनर्जी गेन हो रही है, वो एंडोथर्मिक है। अंडरस्टूड? सर, वो हीट के बाद क्या लिखा है सेकंड लास्ट लाइन पे? हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ है, ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। गाइस लिख लिया इतना? सर जस्ट अ सेकंड। या आस्क डाउट इफ यू वांट टू आस्क। सर हम इसमें ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं जो बाद में हमको थर्मोडायनेमिक्स में जोड़ने वाला है? कुछ नहीं, उसका जो
एक्सक्लूसिव पार्ट है ना थर्मोडायनेमिक्स का, वो मैंने भी रखा हुआ है, ठीक है। वो पार्ट बहुत कम पूछा जाता है, बट बताना जरूरी है वो तुमको। हाँ, हीट चेंजेस क्यू, करेक्ट शंकर, तभी तो मैंने कहा था क्यू और डेल्टा एच रिएक्शंस के लिए सेम होता है। सिर्फ रिएक्शंस के लिए ना सर? हाँ बेटा, सिर्फ रिएक्शंस के लिए, राइट। अच्छा, समझ में आई बात? बस नाउ सेकेंड, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज और स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, देखो पता है क्या, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब कोई भी रिएक्शन ना स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, लाइक ए ए प्लस बी बी आपस में रिएक्ट करके प्रोड्यूस करे सी सी प्लस डी डी, मैं डेल्टा एच को डेल्टा एच नॉट बोलूंगा क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टैंडर्ड कंडीशन के भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए होता है कि टेम्परेचर जो है ना वो रूम टेम्परेचर हो, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू 298 केल्विन, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर हम एक बार लेते हैं, तो द अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, मैंने कहा था ना किसी भी रिएक्शंस का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स्ड होता है, राइट। हाँ कोई सर, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो जब टेम्परेचर को मैं 25 डिग्री सेल्सियस रखूं और प्रेशर को 1 बार बोलूं, तो वो एक केमिकल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन है। उस स्टैंडर्ड कंडीशन में जितना भी हीट गेन और हीट लॉस्ट हो उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज बोलते हैं, इज नोन एज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन एट इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। गॉट दैट? यस सर, यस सर। ओके ग्रेट। बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी मीन्स व्हेन एवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड इट टेक्स प्लेस एट 1 बार प्रेशर, देन द अमाउंट ऑफ हीट गिवन दैट इज गेन्ड और लॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। मतलब जो हीट गेन लॉस हो रहा है वो किसी और टेम्परेचर और प्रेशर पे ना होके एक बार और 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। गेटिंग इट? ये सब एंथैल्पी के टाइप्स है ना? या ओके, डेल्टा एच जीरो नहीं होगा टेम्परेचर, देखो ओम, यही बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि
कि यार अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एच जीरो होना चाहिए, बिकॉज डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी डीटी, राइट? अरे बच्चा पार्टी, हाँ या ना? हाँ एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये गैसेस प्रोसेस के लिए कि केमिकल रिएक्शन के लिए? केमिकल वन सेकेंड, एनसीपी डीटी हमेशा गैसेस प्रोसेस के लिए लिखा जाता है। क्या गैसेस प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज होते हैं क्या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के वक्त? नहीं होते। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर दो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिएक्टेंट इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्ट, तो यह प्रोडक्ट चेंज हो रहा है ना। जब नंबर ऑफ मोड्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज है, एंथैल्पी चेंज तो आएगा ही ना, बिकॉज इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट का कुछ और होगा। जब वो नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उन नए वाले प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी अलग होगा, इंथैल्पी ऑफ नए प्रोडक्ट अलग होंगे, हीट कंटेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट अलग होगा। तो एंथैल्पी चेंज क्यों आता है? क्योंकि जो रिएक्टेंट है जिसका पर्टिकुलर एनर्जी है वो डिकम्पोज होता है नए प्रोडक्ट में जिसका नया एनर्जी है, राइट? तो रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो रहा है तभी भी एंथैल्पी चेंज होता है और इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि नए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और नए डिफरेंट प्रोडक्ट्स का नया डिफरेंट इंटरनल एनर्जी और नया डिफरेंट एंथैल्पी होगा। अंडरस्टूड? या बेटा बोलो। सर यहाँ एंथैल्पी चेंज में एक तो हीट चेंज होता है और एनर्जी चेंज मतलब इंटरनल सेम ही होगा। नहीं, एनर्जी चेंज मतलब हीट चेंज ही होता है ना, इंटरनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी ही बोलते हैं। जब तक मैंने इंटरनल नहीं लगाया तो हीट चेंज ही बोल रहा हूँ, है ना? हाँ ठीक है सर। एक डन, आगे चले। या नाउ लिसन, आई हैव अ न्यू डेफिनेशन हियर, लाइक दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इट इज द हीट चेंज which occur when one mole of substance is formed from is formed from its constitutive slash corresponding elements both product and reactant both product and reactant should get formed in their standard state. Is not feeling good. One second. The meaning is not that clear from the statement. Wait. Is the heat change which occur when one mole of substance is formed from a formed in its standard state? From its constituents or corresponding elements in their standard state, in their standard state. Huh.
गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, अब तुम लोगों को सबसे पहले एक कंफ्यूजन ये होगा कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, राइट? तो स्टैंडर्ड स्टेट, इट इज अ स्टेट इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन अबंडेंस इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, एक बार बताओ ऑक्सीजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? अरे बाबा, व्हाट इज गैसेस? तो ठीक है, ओजोन की फॉर्म में करता है लार्ज अमाउंट में, या फिर ऑक्सीजन गैस की तरह एग्जिस्ट करता है. O2 गैस होता है कि ऑक्सीजन एलिमेंट गैस होता है, क्या होता है? O2. तो O2 गैस, दिस O2 गैस इज एलिमेंटल स्टेट और द स्टैंडर्ड स्टेट. नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 गैस. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एग्जिस्ट करता है? CO2 गैस, राइट. और फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4. इसे व्हाइट फॉस्फोरस कहते हैं. ये पता था तुमको, राइट? व्हाइट फॉस्फोरस का, हाँ, व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि, हाँ, रेड ब्लैक भी बताया था. व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि तीन फॉस्फोरस आपस में ट्रायंगल बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, और ये तीन फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस बाकी सारे फॉस्फोरस का कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. और ये बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? 60 डिग्री. तो कोई पूछे ना बॉन्ड एंगल पी 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 का कितना है, तो आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री इन व्हाइट फॉस्फोरस. गेटिंग अ पॉइंट? पिरामिड जैसा है ना? हाँ, ये पिरामिड जैसा है. 9.5 डिग्री. अरे वाह, मेरे लाल पीले हरे नीले. तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया या केमिकल बॉन्डिंग? अच्छा, एक बात बताओ. सुनो, फॉस्फोरस है, ठीक है, एक लोन पेयर है, तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो तीन कोवेलेंट बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर समीशन 4 आया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, करेक्ट? जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो 109.28 मिनट्स होना चाहिए था, ठीक है, 109.5 डिग्री होना चाहिए था, करेक्ट? हाँ. अब एक बात बताओ, ये तो इसका स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए था, करेक्ट? तो खुद सोचो, मैंने स्टैंडर्ड एंगल को, सोचो कि ये दोनों बॉन्ड चाहते हैं कि भैया 109.5 डिग्री पे रहें, ठीक है, ये चाहते हैं. तुमने क्या किया, इन बॉन्ड्स को तुमने ऐसा मोड़ दिया, ऐसा मोड़ दिया कि इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना रह गया इस केस में? समझा? अरे बाबा, मैं क्या कह रहा हूँ, होना 109.28 चाहिए था, ठीक है, बट इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअली कितना बॉन्ड एंगल है? 60. तो तुमने क्या किया होगा कि 109.5 वाले जो बॉन्ड एंगल है उनको कुछ इस तरीके से मोड़ दिया होगा. ये पहले ऐसे होते थे 109.5. अच्छा, अब तुमने मोड़ दिया इन दोनों बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड्स को, ताकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाए? 60. तो ये बॉन्ड क्या चाहता है? 109.28, राइट? और तुमने कितना किया? 60 डिग्री. तो ये जो स्ट्रेन आया ना, ये जो अनस्टेबिलिटी आई, क्योंकि तुमने बॉन्ड एंगल 109.28 से उसको पकड़ के दबा के 60 किया, उसे एंगल स्ट्रेन कहते हैं. क्या कहते हैं? एंगल स्ट्रेन. और उस एंगल स्ट्रेन की वजह से ना ये मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल हो जाता है, एंगल स्ट्रेन. अब जबरदस्ती से एंगल इतना कम किया है तो होगा ही ना. हाँ, तो एक बात बता, जबरदस्ती से कम किया तो होगा ही ना, तो मतलब ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत रिएक्टिव हो गए, राइट? वो खुलना चाहते हैं. तो खुलना चाहते हैं तो मतलब ये खुल के रिएक्ट करेंगे ना इजिली. हाँ, तभी व्हाइट फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है. अरे, ये नेचर में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. हाँ, ठीक है, वो इस तरीके से स्टेबल होता है, तो मैं क्या करूं बताओ. ठीक है, अब एक बार बताओ, सल्फर, सल्फर का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या है?
S8 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड दैट टू जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसे रोम्बिक कहते हैं. क्या कहते हैं? रोम्बिक. गेटिंग इट? तो रोम्बिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है. कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है? कार्बन की तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और बकमिंस्टर फुलरीन हो गया. एलोट्रॉपिक फॉर्म है तीनों. तो उन तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म में से सबसे ज्यादा नेचर के अंदर कौन सा मिलता है? ग्रेफाइट. हाँ, ग्रेफाइट. कार्बन का जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ग्रेफाइट. तो कार्बन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा ग्रेफाइट, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन अबंडेंस इन दैट. शंकर, यू आर आस्किंग सर, ए व्हाइट फॉस्फर इज सो रिएक्टिव, व्हाई इन नेचर एज P4? सी द थिंग इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड्स, बट अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करी जाए, मैं तुमको 10 बार मैंने तुमको बताया है ना कि कोई भी प्रोसेस इस यूनिवर्स में होता है. क्यों होता है? टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट? अगर ये P4 मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता ना, तो मुझे एक चेन बनाना पड़ता, और उस चेन में जो नंबर ऑफ कोवेलेंट आवाज आ रही है सर? सर अलग आ रहा है बस, ब्लूटूथ ये हुआ आई गेस. स्पीकर कनेक्शन गया. हेलो हेलो. ओके, एनीवेज डजंट मैटर. तो व्हाट आई वाज सेइंग हियर इज कि अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं करता ना, तो एक फास्फोरस तीन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता. अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है ना. तो व्हाइट फास्फोरस ऐसा इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर फास्फोरस एटम बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और हाईएस्ट पॉसिबल तभी है. तो जब वो नया नया बनता है, वो इस तरीके का बनता है ताकि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन कर सके, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं. मैं मानता हूँ कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है, बहुत रिएक्टिव है. बट चक्कर क्या है, तुम एक बॉन्ड की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो, और मैं पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ. तो मॉलिक्यूल अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इफ यू वन सेकेंड. कोई तुम में से कुछ बोलो यार, मेरे को आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. हेलो सर. हेलो सर. हेलो सर. हेलो सर. तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर. यस सर. आ रही है सर. आ रही है. हाँ, बट आई कांट हियर यू. तुम में से कोई कुछ बोलेगा? हेलो सर, सुनाई दे रहा है? अरे वेट, देन आई कांट हियर यू, गिव मी अ मिनट. राइट. हाँ फाइन, गिव मी अ मिनट. होता है कई कबार. गाइस कुछ बोलोगे? हेलो. हेलो सर. नहीं आ रही, नहीं आ रही, रुक जाओ. हाँ 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 वन सेकेंड, नाउ आई गॉट इट. से वन मोर टाइम, से हेलो. हेलो. हेलो सर. आ रही आ रही आ रही आ रही है बस. मतलब तुम ये तब से कर ही रहे थे, हेलो हेलो हेलो, राइट? हाँ सर. आई विल एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट द एंड ऑफ द क्लास. हाँ मोहित, आई विल डू दैट. ठीक है. हाँ बेटा. सर ये मुझे अभी तक नहीं समझा, मतलब पहले 109.5 था और स्टेबल था, फिर 60 बना के 109.5. नहीं 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 सुनो, मैंने क्या कहा, तुम बात कर रहे हो दो बॉन्ड्स की, राइट? कि दो बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो 109.5 होना चाहिए, राइट? हाँ सर. अच्छा, जब वो दो बॉन्ड बनेंगे क्या सारे फॉस्फोरस बहुत पास आ पाएंगे क्या उस केस के अंदर? ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे फास्फोरस आपस में जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, राइट? तो अगर पास में आएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा ना फिर? नहीं नहीं बेटा, पहले तो अट्रैक्शन बढ़ता ना, बहुत पास में आने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करता है ना. हाँ. तो नॉर्मल सी चीज ये है कि अगर बॉन्ड एंगल बढ़ा दूंगा ना, तो ज्यादा फॉस्फोरस मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे. गेटिंग इट?
तो अगर मेरे को चाहिए कि पूरा सिस्टम स्टेबल हो, तो पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं वो ज़्यादा बनने चाहिए कम बनने चाहिए? मुझे पता है एक बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो अगर मैक्सिमम बॉन्ड बनेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। तो यूनिवर्स के अंदर क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर सके। मैं पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल बॉन्ड्स की बात कर रहा था जब मैंने बोला वो बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है? हाँ, हम कहाँ थे अभी? व्हाइट फॉस्फोरस हो गया, कार्बन ग्रेफाइट हो गया, राइट? सो दीज आर नथिंग बट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दोज सब्सटेंसेस। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड कैसे एग्जिस्ट करता है? SO2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, मतलब लिक्विड सॉलिड गैस क्या है? लिक्विड, राइट? अमोनिया लिक्विड, हाँ। अमोनिया कैसे एग्जिस्ट करता है? यस, यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट? तो दीज आर नथिंग बट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दैट दो सब्सटेंसेस। अंडरस्टूड? गाइस, इतना लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर, वेरी गुड, यस सर। हम लोग कहाँ थे? इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे थे, पता है क्या? क्या कह रहे हो? गिव मी अ मिनट, टायर्ड। या ओके, नाउ वेयर आर वी? अगर सपोज करो मेरे को ग्लूकोज बनाने का है, क्या बनाने का है? ग्लूकोज। तो आई वांट टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो मुझे एक मोल ग्लूकोज बनाने का होगा, राइट? ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6। वेरी गुड। ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड आता है ना बेटा, ग्लूकोज पाउडर, वाइट कलर का, ग्लूकोन डी, राइट? यस सर। तो शुगर लाइक सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कंपाउंड जो है वो किस किस से बना हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन। अच्छा, वेरी गुड, कार्बन। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो कौन सा है? सॉलिड, ग्रेफाइट। सॉलिड, बट कौन सा सॉलिड? ग्रेफाइट, करेक्ट? हाँ, हाँ। ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट ही बोलेंगे। कितने कार्बन ग्रेफाइट डालूं? 6। वेरी गुड। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? क्यों सर आपने 6 कार्बन डाले? हाँ जी, आपने 6 कार्बन क्यों डाले बेटा? इस मॉलिक्यूल में कार्बन है। अच्छा अच्छा, हाँ। कितना हाइड्रोजन है? 12। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? H2। H2 व्हाट? गैस। गैसेस। कितने डालूं? 6। वेरी गुड। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? ओटो गैस। 3 डाल दो सर। इस रिएक्शन को enthalpy of formation of glucose बोलेंगे, getting it? enthalpy of formation of glucose। हाँ बेटा, because glucose बना रहे ना। इसमें enthalpy किधर है? और हराम खोर, ये देख। अच्छा। enthalpy of formation के लिए delta HF लिखते हैं, understood? किधर enthalpy का है? अरे यही निकली ना, release हुई, getting it? बड़े मासूम से हो तुम। Guys, आगे चलें। ए, बच्चा पार्टी, आगे चलें। Okay, now listen, एक काम करते हैं। ये enthalpy of formation of glucose है, ठीक है? अब standard enthalpy of formation क्या होता है? जब मैंने standard डाला तो उसका क्या मतलब हुआ? Enthalpy, instant temperature or standard temperature pressure. Very good.
That means the energy released or the energy change. ये अगला टाइप है सर. हाँ उसी का ही सब टाइप ले लो. एनर्जी चेंज विच अकर व्हेन विच अकर व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस is formed in its standard state from after energy change change from its corresponding elements in their standard state. Deep, kya kar raha? Oh, in their standard state. At 25 degrees Celsius and 1 bar pressure. Agreed? Hello? Yes. Okay. Now, iska representation hota hai delta HF. Enthalpy of formation. Standard is not. Delta HF not. Understood? चले आगे. यस सर. अच्छा मेन चीज ठीक है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट at any temperature is zero. Is taken as is zero. Guys, ek baat batao. Tumhe hydrogen gas banana hai. To enthalpy of formation kya kehta hai? Hydrogen gas banaunga. To iska jo element hai, kis element se bana hua hai? Hydrogen gas. हाइड्रोजन से. अच्छा हाइड्रोजन का एलिमेंटल स्टेट क्या होता है जिससे ये बनेगा? स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है जिससे बनेगा? H2 गैस. हां तो अगर H2 गैस से H2 गैस बनाओगे तो एनर्जी चेंज कितना आएगा? जीरो. मैं भी तो ये कह रहा हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो. तो किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है. बिकॉज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हें एलिमेंटल स्टेट से एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से सब्सटेंस बनाना है. और तुम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से बनाओगे तो कोई एनर्जी चेंज आएगा क्या? नहीं सर. नहीं आएगा. पॉसिबल ही नहीं. गेटिंग इट? यस सर. या फिर से लाइन क्या है? Enthalpy of formation of elements in their standard state at any temperature is zero. So with enthalpy of formation of all the elements in their standard state, you have to take it as zero only. ठीक है? Hydrogen को hydrogen से कैसे बन? अरे वही तो जो definition है. मैं तो वही follow करूँगा ना बेटा. तो वही हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से बनाना है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कम्स आउट टू बी जीरो. ए गाइस हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल बी फॉर बफून
सी फॉर चंपू, डी फॉर ढक्कन. इसका डेल्टा एच है रिएक्शन का, ठीक है. अब याद रखना कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन का डेल्टा एच होता है ना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू समिशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समिशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. गेटिंग इट? तो मतलब इस केस के अंदर अगर सी मोल्स ऑफ सी बन रहे हैं तो सी मोल्स इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी मोल्स इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस ए मोल्स इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए माइनस बी इंटू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी. ये तुम्हारा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा. और स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन देखना है तो इन सबको स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना पड़ेगा. गेटिंग इट? आया ना? ये निकला कैसे, मतलब फॉर्मूला क्या कह रहे हो? ये निकला कैसे फॉर्मूला? अच्छा बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो. अगर देखो यार, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मैंने सी बनाया, ठीक है. तो सी बनने के वक्त कुछ एनर्जी चेंज आया, राइट? अरे करेक्ट, ठीक है. तो एनर्जी चेंज आया सी बनने पे, कहाँ गया? सी को बनाया तो मेरे पास एनर्जी चेंज आया कुछ. तो जब मैं सी मोल्स ऑफ सी को बनाऊंगा तो नेट एनर्जी चेंज फॉर्मेशन का आ जाएगा सी का, तो उतना एनर्जी गेन हुआ या रिलीज हुआ, राइट? अगर डी को बनाऊंगा तो मेरे पास नेट एनर्जी चेंज व्हेन डी फॉर्म्स मेरे पास आ जाएगा. अरे हाँ या ना? तो बोल रहे हो ए और बी के एलिमेंटल फॉर्म से डी, एलिमेंटल नहीं है ये भी सब्सटेंस ही है. मुझे नहीं पता, ये एलिमेंट भी हो सकते, कंपाउंड भी हो सकते, कुछ भी हो सकता. अरे खुद सोचो, एक काम करो, तो मैं अलग तरीके से बनाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है. तुमने ना एक रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से ना तुमने एक गाड़ी बनाई, ठीक है. गाड़ी लग नहीं रही है, बट हाँ बना दी, ठीक है. तो यू हैव मेड अ कार. तुमने दूसरा रॉ मटेरियल लिया, सेम रॉ मटेरियल लिया, ठीक है. इस रॉ मटेरियल से तुमने स्कूटर बना दिया, स्कूटर. सर इसने डब उसमें करेंगे? नहीं प्लीज सर, तो रुक जाए एक मिनट. दूसरी कार बनाई, ठीक है, बनाना सिंपल है कार को. ये तुम्हारा लेट से बीएमडब्ल्यू है, ये तुम्हारा ऑडी है. गेटिंग इट? जब तुमने रॉ मटेरियल से बीएमडब्ल्यू बनाया ना, तो इसने ना एनर्जी चेंज दिखाया 100 जूल्स. जब तुमने इस रॉ मटेरियल से ऑडी बनाया तो तुम्हारा जो एनर्जी चेंज दिखाया वो 80 जूल्स दिखाया. तो यार सेम रॉ मटेरियल है ना? हाँ सेम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सेम रहेंगे. अभी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे ना, सारे बैलेंस्ड है ना. हाँ. तो रॉ मटेरियल तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है. तो एक बार बताओ, जब तुमने 100 जूल यहाँ लगे, 80 जूल यहाँ लगे, तो मैं कह सकता हूँ ना ऑडी जो है उसको 20 जूल कम लगे. जब बीएमडब्ल्यू से ऑडी बनाऊंगा तो बीएमडब्ल्यू स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? जब बीएमडब्ल्यू से ऑडी बनेगा तो स्टेबिलिटी होगी कि अनस्टेबिलिटी होगी? जब तुमने थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी होगी ऑडी बनाया, तो एक बार बताओ, BMW ने 100 जूल्स गेन किया बनने के वक्त, ऑडी ने कितना गेन किया? 80. तो BMW से जब ऑडी बनाओगे तो एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा? लूज करेगा. हाँ कॉमन सेंस है ना, लूज करेगा, स्टेबल हो रहा है, ठीक है. तो एक बार बताओ कितना लूज करेगा? 20. तो एक बार बताओ, इसका डेल्टा एच निकालू तो डेल्टा एच क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑडी माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीएमडब्ल्यू, करेक्ट. तो
साउदी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 80 जूल था, बीएमडब्ल्यू का 100 जूल था, तो नेट एंथैल्पी चेंज कितना आया? -20 समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? जब रॉ मटेरियल सेम हो रहा है, ये बनने पे 100 जूल ले रहा है, ये बनने पे 80 जूल ले रहा है, जब ये इससे बनेगा तो 20 जूल लूज करेगा, तो दिस माइनस दिस करोगे तो -20। अगर अवधि से सर तो ऊपर वो मोल से मल्टीप्लाई किया है ना, हां मोल से मल्टीप्लाई किया ना सी, हां 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 हां। अरे यार एक काम करो, हाँ मल्टीप्लाई किया। अच्छा एक काम करो, अब एक रिएक्शन है जिसमें दो बीएमडब्ल्यू से एक ऑडी बन रही है, ठीक है, तो दो बीएमडब्ल्यू बनाने में कितना एनर्जी दिया तुमने? 200। और 200 जूल से तुम कितना जूल कन्वर्ट कर रहे हो एक ऑडी बना रहे हो, तो कितना आ जाएगा? 80। मतलब 200 जूल से तुम 80 जूल तक जाओगे तो एनर्जी लूज करोगे या गेन करोगे? 200। कितना एनर्जी लूज करोगे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नेट एनर्जी निकालने के लिए, तो इस केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ में आया तुमको? समझा ना। तो अभी समझ में आया कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? हाँ सर। ओके चलो सर एक मिनट, सर एक मिनट वो रिएक्शन दिखाओ। कौन सा? ऑडी और बीएमडब्ल्यू के ऊपर ऊपर सर यहाँ से और ऊपर की इतना काफी है? काफी सर काफी। उसके बाद ऑडी और बीएमडब्ल्यू दिखा दो। हाँ दिखाता हूँ Audi, BMW सब दिखाते हैं, the aura, okay। दिखाऊं? सर ये फॉर्मूला को कोई एक क्वेश्चन देके एक और बार समझाओ ना। हाँ समझा देते हैं, क्या दिक्कत है? देखो तुमने क्या किया, 6 CO2 गैस प्लस 6 H2O लिक्विड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। कितना ऑक्सीजन गैस आएगा? 6। This is solid. This is a photosynthesis reaction which happens in plant, right? Awesome. Now understand enthalpy of formation of carbon dioxide is given to you as let's say -200 joules, kilojoule per mole. तो एक मोल बनाने के लिए 200 kilojoule लगते हैं, ठीक है? Enthalpy of formation of water liquid is given to you as -300 kilojoule per mole.
enthalpy of formation of glucose is given to you as 1206 1500 kilojoule per mole, and enthalpy of formation of oxygen gas is given to us. क्या लूं? कोई भी फिगर बताओ क्या लेना है? अरे कोई बताओ ना क्या लूं, कौन सी फिगर लूं कैलकुलेशन के लिए? 500. वेरी गुड, 500 लेता हूं. घरे हो घरे एक नंबर के. समझाया था ना? अबे हाँ या ना? हाँ सर. तो CO2 का भी तो जीरो ही होगा ना? अच्छा वो एलिमेंट है. ओ माय गुडनेस, मेरे को अभी पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है. अच्छा अच्छा हाँ, समझ रहा था बचपन से कंपाउंड है. ओए लाल पीले हरे नीले कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड नहीं सर, कंपाउंड ही है. कंपाउंड है, वेरी गुड. अब सुनो, डेल्टा जब रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन तो जीरो हो जाएगा, तो 6 इनटू डेल्टा जब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज जीरो प्लस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मुझे ग्लूकोज लेना पड़ेगा, माइनस 6 इनटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, माइनस 6 इनटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन तो जीरो, 15 माइनस 1500 माइनस ऑफ 6 इनटू माइनस ऑफ 300 माइनस ऑफ 6 इनटू माइनस ऑफ 200 करेक्ट. तो माइनस 1500 प्लस 1800 प्लस 1200 करेक्ट. यस सर. कितना आएगा ओवरऑल? 1500 किलो जूल पर मोल. तो दैट इज द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन. गेटिंग इट? समझ में आया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल? तो मतलब इसमें हीट गेन की ना उसने 1500. हाँ ठीक है सर. अरे ऑब्वियसली सनलाइट गेन करके बनाएगा ना. इसका उल्टा प्रोसेस देखो जरा. ग्लूकोज जब तुम सांस लेते हो तो ग्लूकोज तुमको एनर्जी देता है, तभी तो तुम्हारी बॉडी काम कर रही है ना. यस. हाँ तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए कि एंडोथर्मिक होनी चाहिए? एंडोथर्मिक. बैकवर्ड ये रे, बैकवर्ड बैकवर्ड. अच्छा बैकवर्ड. एक्सोथर्मिक 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 एनर्जी देना चाहिए उसने. और फॉरवर्ड एंडोथर्मिक. हां हां हां. तो प्लांट्स हमारे लिए क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है व्हिच स्टोर्स लॉट ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. समझ रहे हो? ओके गाइस आगे चलें. आई गेस वी विल वाइंड अप हियर. अभी किसी ने बोला था कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट में कुछ बता देना. ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कब किया था सर? लास्ट क्लास. सर लास्ट क्लास, पिछले क्लास को. हां ओके. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि हमने एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन सर आपने उससे पहले बोला था कर नहीं सकते. नहीं मैंने एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी नहीं हुआ अच्छा. मैंने हमेशा मैंने एनर्जी चेंज के बारे में बोला होगा ऐसा. मैंने एंथैल्पी के बारे में बोला होगा. मैंने एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में नहीं बोला. मैंने जीबी इंटरनल एनर्जी के लिए बोला. इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और तुम्हारा भगवान भला करे गिब्स एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. बट टोटल एंट्रोपी तुम किसका कैलकुलेट कर सकते हो? क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो वो पहले बोलता था कि अगर 0 डिग्री 0 केल्विन पे अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी जीरो होता है तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला तुमको पता है. एंट्रोपी चेंज अगर 0 केल्विन से किसी टी केल्विन तक निकालते हो तो तुमको एब्सोल्यूट एंट्रोपी मिल जाती है ना. हाँ है कि नहीं? तो एक बार बताओ, एक फॉर्मूला दिया था उसने. उसने बोला था एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू NCdT by T, where C is nothing but molar heat capacity. Heat capacity. तो उसने कहा था भाई साहब ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर. सर ये क्यूरिवर्सिबल बाय टी है.
हाँ बेटा, क्यू रिवर्स, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीवीटी। हाँ 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 वही उतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो उसमें एनसीबी और सीपी रहता है ना बेटा, ये किसी भी प्रोसेस के लिए सी रहेगा ना, तो सीएम रहेगा, मोलर रेट कैपेसिटी एट एनी प्रोसेस। क्यू इज नॉट ऑलवेज सीपी, राइट? क्यू तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा प्रोसेस। तो सिंपली एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा, बस उतना ही। हाँ। सर तुम्हारी आवाज कट रही है, आ नहीं रही है। सर वो बुक में दिया था कि चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू चेंज इन हीट कंटेंट डिवाइडेड बाय टी, तो सर उधर तो क्यू होता है। हाँ वन सेकेंड, चेंज इन हीट कंटेंट किस केस के लिए? सर नहीं, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू चेंज इन हीट कंटेंट डिवाइडेड बाय टी दिया था। हीट कंटेंट डिवाइडेड बाय टी किसने दिया था? किसने? वो केमिकल रिएक्शन के लिए दिया होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एच और क्यू में फर्क नहीं होता। वो भी वो वाली रिएक्शन होगी जिसके अंदर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सॉलिड लिक्विड में बन रहा होगा, लिक्विड गैस में बन रहा होगा, उसमें यूज कर सकते हो। उसके अंदर ही डेल्टा एच क्यू रिवर्सिबल के इक्वल होता, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते हो। गेटिंग इट? और तुम सिर्फ क्यू ही यूज करो, जो तुमको नोट्स में लिखवाए ना, तुम नोट्स पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, डन गाइस। ओए हो गया, चलो वील वाइंड अप द लेक्चर टुडे। इट वाज नाइस मीटिंग यू गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम। सर अब अगले साल मिलते हैं ना? अगले साल हाँ, we'll meet next year now. Happy New Year. Sir, आपको Happy New Year. Sir, Happy New Year in advance. Sir, Happy New Year in advance. Yes, yes, yes. Only Happy New Year, sir. bye, take care. Bye, sir. Thank you, sir. अच्छा जो चीजें बोले ना आज, please उसको focus करना और अपने जो भी है ना productiveness बढ़ाना, ठीक है? चलो टेक केयर, बाय बाय सर, गॉड ब्लेस यू।